Good morning, students. Today we will start exercise 7.3 of chapter 7, fractions. So, in the previous videos, we have question 7 tak discuss kar chuke hain. Now, in this video, we will discuss question number 8 and question number 9. So, start karte hain hamare question number 8 se. Ramesh had 20 pencils, Shiru had 50 pencils, and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils, Shilu used up 25 pencils, and Jamal used up 40 pencils. So, what fraction did each use up? And check each has used up an equal fraction of her and his pencil. Question 8 ka kya matlab hai ki Ramesh ke paas kitni pencils thi? 20 pencils thi. Shilu ke paas 50 pencils thi. And Jamal ke paas 80 pencils thi. 4 mahine baad रमेश ने तो अपनी 20 पेंसिल में से 10 पेंसिल्स यूज कर ली, उसी तरह से शीलू ने भी अपनी 50 पेंसिल में से 25 पेंसिल्स यूज कर ली और जमाल ने अपनी 80 पेंसिल में से 40 पेंसिल्स यूज कर ली। ठीक है, तो हमने क्या पूछा है, हमने दो चीज पूछी है। पहली कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, कि उन्होंने अपनी पेंसिल जो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स थी उनका कितना फ्रैक्शन पेंसिल्स यूज कर लिए। ठीक है, और दूसरी पूछी है कि हमें बताना है कि चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर एंड हिज पेंसिल, कि जो भी उनकी टोटल नंबर ऑफ पेंसिल थी उसका उन्होंने क्या करा है, इक्वल फ्रैक्शन यूज करा है कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। देखो, तीन लड़के हैं, रमेश, शीलू एंड जवाब। तो सबसे पहले रमेश का निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल रमेश के पास कितनी थी, 20 थी। ठीक है, और उसने कितनी पेंसिल यूज कर ली आफ्टर 4 मंथ, नंबर ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय रमेश इज 10। रमेश के पास टोटल 20 पेंसिल थी जिसमें से रमेश ने 4 मंथ बाद 10 पेंसिल्स का यूज कर लिया, तो उसका फ्रैक्शन क्या बना। देखो, टोटल कितनी थी, 20, यूज कितनी करी, ऊपर लिखेंगे 10। ठीक है, तो क्या फ्रैक्शन बना, 10/20। इसमें से 0 से 0 कैंसिल हो सकता है, अब क्या फ्रैक्शन बचा, 1/2। तो रमेश की पेंसिल्स का फ्रैक्शन कितना आया, 1/2। ठीक है, नाउ सेकंड, कौन था, शीलू। टोटल नंबर ऑफ पेंसिल शीलू के पास कितनी थी, 50 थी। ठीक है, उसने कितनी पेंसिल यूज करी, 25 यूज करी, तो उसका फ्रैक्शन कितना निकलेगा, शीलू के पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल 50 थी जिसमें से उसने यूज करी 25, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 25 इनटू 50 आता है, 25 वन जा 25, 25 टू जा 50, तो क्या फ्रैक्शन बना, 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे हम जमाल की, तो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जमाल के पास कितनी थी, 80, और उसने कितनी पेंसिल यूज करी, 40, तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, टोटल पेंसिल थी उसके पास 80 जिसमें से उसने यूज करी 40, तो 0 से 0 गया, 4 वन जा 4 और 4 टू जा 8, तो क्या फ्रैक्शन बना हमारे पास, 1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने हमसे पूछा था कि क्या फ्रैक्शन, पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो ये पूछा था कि कितना फ्रैक्शन सबने यूज करा, तो रमेश ने यूज करा 1/2 अपनी पेंसिल्स का फ्रैक्शन यूज करा, शीलू ने यूज करा अगेन 1/2, और जमाल ने भी कितना करा अपना, 1/2, मतलब उनके पास जो पेंसिल थी उसका आधा आधा जो फ्रैक्शन था उन्होंने यूज कर लिया। नाउ सेकंड वन से हमसे पूछा था कि हमको बताना था कि चेक इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, कि क्या सबने इक्वल फ्रैक्शन यूज करा है, जैसे अगर रमेश ने 1/2 करा है तो क्या शीलू और जमाल का भी 1/2 है, यस हमने अभी निकाला है, तीनों के फ्रैक्शन सेम है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यस ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल दैट इज 1/2, तीनों ने इक्वल फ्रैक्शन यूज करा है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, मैच द क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर ईच। हमारे पास यहाँ पर फ्रैक्शन गिवन है, उनकी यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले जहाँ पे ये जो फ्रैक्शन गिवन है इनको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। जब हमको यहाँ पे जो फ्रैक्शन गिवन है उनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में
वी हैव टू फाइंड आउट कि उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा है, ठीक है, तभी हम मैच कर पाएंगे। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन हमें गिवन है 250 डिवाइडेड 400, तो 250 डिवाइडेड 400 को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 25 और 40 दोनों ही हमारे 5 के टेबल से जा सकते हैं। कितने टाइम्स, 5 5s are 25 and 5 8s are 40, तो हमने जब इनको रिड्यूस करा तो हमारे पास क्या आया, 5 डिवाइडेड 8, ठीक है। अगर हम इसको और रिड्यूस करना चाहें तो क्या रिड्यूस हो सकते हैं, नहीं, ये और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते और ना किसी से जा सकते हैं, तो ये क्या आ गया हमारे पास फ्रैक्शन 5 डिवाइडेड 8। तो 5 डिवाइडेड 8 को हमको पेयर अप करना है, तो अगर हम ए बी सी डी में देखें तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म किससे मैच खा रही है हमारी, डी से। डी में भी क्या है हमारे पास 5 डिवाइडेड 8, तो डी के साथ कौन पेयर होगा, फर्स्ट, ठीक है। ये तो हुई पेयरिंग की बात, मैचअप की बात। अब हमें फाइंड आउट करना है टू मोर फॉर ईच, दो और फाइंड करने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। सो फर्स्ट तो देखो 250 अपॉन 400 का फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, हमने ये जीरो से जीरो कैंसिल करा था तो क्या बचा था हमारे पास 25 डिवाइडेड 40, तो एक फ्रैक्शन तो हमारे पास ये हो गया और अब हमें एक और फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इस 5 डिवाइडेड 8 को हम किससे इंटू कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड 8 को 2 2 से इंटू कर दूँ तो हमारे पास दूसरा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 5 2s are 10 and 8 2s are 16, तो हमारे पास दो और फ्रैक्शन आ गए 25 डिवाइडेड 40 and 10 डिवाइडेड 16। अब हमारा सेकेंड फ्रैक्शन हमें गिवन है 180 डिवाइडेड 200। सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने का क्या तरीका है, देखो 180 डिवाइडेड 200, तो इसमें जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, क्या बचा 80 डिवाइडेड 20, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल करके क्या बचा, 18 डिवाइडेड 20 बचा। अब 18 डिवाइडेड 20 और रिड्यूस हो सकता है क्या, यस, किससे हो सकता है, 2 के टेबल से हो सकता है, 2 9s are 18 और 2 10s are 20, तो कितना आ गया 9 डिवाइडेड 10। क्या 9 डिवाइडेड 10 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आया 9 डिवाइडेड 10। अब ये 9 डिवाइडेड 10 हमारे किस सिंपलेस्ट फॉर्म से मैच कर रहा है, ई से, तो ई का मैचअप किसके साथ होगा, सेकंड के साथ, ठीक है। अब हमें दो और फाइंड करने हैं, तो एक तो हो गया हमारे पास 18 डिवाइडेड 20, क्या हो गया 18 डिवाइडेड 20, एक और फाइंड करना है, तो जो 9 डिवाइडेड 10 आया इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि अगर 9 डिवाइडेड 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2s are 18 और 10 2s are 20, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, हमें एक और चाहिए तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3s are 27 and 10 3s are 30, तो दो फ्रैक्शन हमको और मिल गए 18 डिवाइडेड 20 and 27 डिवाइडेड 30। थर्ड है हमारे पास 660 डिवाइडेड 990, ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं तो 660 डिवाइडेड 990 है, इसमें जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 66 डिवाइडेड 99, ठीक है। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं क्या हम, यस, ये किसके टेबल से जा सकता है, 11 के टेबल से, 11 6s are 66 and 11 9s are 99। नाउ हमारे पास क्या आ गया 6 डिवाइडेड 9, ठीक है, ये और रिड्यूस हो सकता है क्या, यस, अगेन किसके टेबल से, 3 के टेबल से, 3 2s are 6 and 3 3s are 9। अब हमारे पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड 3, क्या ये और रिड्यूस हो सकता है, किसी और से डिविजिबल है, नहीं, तो हमारे पास 2 डिवाइडेड 3 आया, तो 2 डिवाइडेड 3 किससे मैच कर रहा है, ए वाले से, ए जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म दे रखी है, कितनी रखी है 2 डिवाइडेड 3, और हमारे पास सॉल्व करने पर रिड्यूस फॉर्म कितनी आई है 2 डिवाइडेड 3, तो ए का पेयर किसके साथ होगा, थर्ड के साथ। अब हमें दो और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं, तो कैसे करेंगे, देखो ऑलरेडी हमारे पास एक तो है 66 डिवाइड 99 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया 6 डिवाइड 9, तो हमारे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑलरेडी पहले से हैं 66 डिवाइडेड 99 and 6 डिवाइडेड 9। नाउ फोर्थ हमारा 1 डिवाइडेड 360, इसको रिड्यूस करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो देखो 180 डिवाइडेड 360, जीरो से जीरो गया, क्या बचा 18 डिवाइडेड 36, इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, यस, 18 के टेबल पे 36 भी
क्या आता है कितने टाइम्स, 18 वन सा 18 एंड 18 टू सा 36, कितना आ गया 1/2। क्या इस 1/2 को हम और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब किसी और से डिविजिबल नहीं है। हम नंबर्स को तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक वो और डिविजिबल होते हैं। अब 1/2 और डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया 1/2। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है 1/2, वो ए बी सी डी ई में किस में है, सी में। तो ये फोर्थ का मैच किसके साथ होगा, सी के साथ, ठीक है 1/2। पर हमें दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और फाइंड करने हैं। तो देखो 1/2 को अगर मैं सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद अगर एक और पेयर बना तो इस बार हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इनको 30 से, तो कितना आ गया 30/60। तो हमारे पास जो दो पेयर बनते हैं कितने बन गए 20/40 एंड 30/60 आर द टू मोर फ्रैक्शंस। सो नाउ लास्ट हमारा 220/550, इसको रिड्यूस करते हैं। तो 220/550 में से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22/55। क्या ये और रिड्यूस हो सकता है? यस, दोनों 11 के टेबल्स आ सकते, कितने टाइम्स 11 × 2 = 22 एंड 11 × 5 = 55, तो कितना आ गया 2/5। तो जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो कितनी है 2/5, जो कि किस में है, बी में। तो फिफ्थ का पेयर किसके साथ मैचअप होगा, बी के साथ, ठीक है। अब हमें टू और इक्विवेलेंट फैक्टर्स सीखने हैं। तो एक तो हो गया हमारा 2/5, ठीक है। अब इस 2/5 को मैं अगर किससे इंटू कर दूँ, 2 से इंटू कर दूँ, तो 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = कितना होता है 10। तो एक और दूसरा कौन सा आ गया 4/10। तो हमारे पास दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए 2/5 एंड 4/10। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 9 खत्म होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.3 भी खत्म होती है। इस वीडियो में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया है। किसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने में स्टिल अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैसेज पे पूछ सकता है, PDF भी आपको उसमें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे।